राष्ट्रीय वेबिनार में बड़ी विनम्रता से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहूँ। हेलो, प्रोफेसर नवले सर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ सर, हेलो, आवाज मेरी आ रही है? हाँ सर, यस सर, यस आ रही है सर, बोल सकता हूं मैं? यस सर, यस सर, जी मुरेश्वर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डोंगरे, संयोजक मेरे मित्र डॉक्टर शिवाजी सांगुड़े, उनके सहयोगी डॉक्टर आसाराम बेवले, डॉक्टर यादव मोरे, प्राध्यापक अंकुश राउत और इस तकनीकी, जिसको हम वेबिनार कहते हैं, इसमें जुड़े हुए सभी भाई और बहनों, समय काफी हुआ है, आधा घंटा इन सभी चर्चा में चला गया है। मैं सीधा विषय बताता हूं। वैश्वीकरण, हिंदी साहित्य, चिंतन और चुनौतियां। इस विषय को शुरुआत करने के पहले कुछ बातें आपके सामने रखना महत्वपूर्ण मैं मानता हूं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विषय कोई एक दिन में वैश्वीकरण की जो नीति है, उस नीति को स्वीकारने के लिए कोई एक दिन की चर्चा इसके पीछे कारणीभूत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कई वर्षों तक इस पर चर्चा हो रही थी और उसके बाद जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे इस देश के और उनके मंत्रिमंडल में अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान मनमोहन सिंह अर्थमंत्री थे, अगर काल की भाषा में बोलना है, अगर तिथियों का जिक्र करना है, तो 90-91 के समय इस नीति को इस देश में लागू किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है। अब इसके पीछे की उनकी जो भूमिका थी, इस पर काफी लिखा गया है। हमारा विषय यह है कि इस नीति के कारण भारतीय मनुष्य पर, भारतीय साहित्य पर और हिंदी साहित्य, अर्थात हिंदी साहित्य पर कौन से परिणाम हुए, अच्छे हुए, बुरे हुए, इस पर हमें चिंतन करना है। और इस कारण जो, इस नीति के कारण जो चुनौतियां निर्माण हुई है, इस पर भी भाष्य करना है। एक पंक्ति में अगर इस नीति का विश्लेषण करना होगा तो इस पद्धति से होगा कि पूरे देश को मंडी बनाना, बाजार बनाना, जिसको हम वैश्वीकरण, मराठी में जागतिकरण, भूमंडलीकरण, अनेक शब्दों से हम अनेक शब्दों के आधार पर हम उसकी चर्चा करते हैं। मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान की नहीं, पूरे देश की, दुनिया की मंडी जो होती है, उस मंडी को कभी चेहरा नहीं होता।
उस मंडी को कभी रंग नहीं होता, मंडी को कभी भावनाएं नहीं होती। मंडी का मकसद एक ही होता है, वो है मुनाफा। इस कारण मंडी रिश्ते नाते नहीं देखती, क्या टूट रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये भी कभी ये मंडी देखती नहीं है। इसके केंद्र में होता है पैसा, इसके केंद्र में होता है व्यापार, और इस व्यापार के आधार पर मुनाफा। अब किस कारण ये नीति को स्वीकारने की मजबूरी हुई, या किस कारण ये स्वीकारी, ये राजनीतिक बहस की चर्चा का विषय है। लेकिन इसका उल्लेख आगे चलकर मैं थोड़ा करूंगा। लेकिन हिंदी साहित्य पर, भारतीय साहित्य पर, हिंदी साहित्य पर जो परिणाम होते हैं, वह साहित्य के ऊपर जो परिणाम होते हैं उसको दो पद्धति से देखा। एक परिणाम होता है तुरंत, और दूसरे परिणाम होते हैं बहुत धीरे धीरे। जो तुरंत परिणाम होता है उसके कुछ अनुभव भारतीय और महाराष्ट्रीय लोगों ने लिए हैं, जिसका साक्षी, जिसकी गवाह आप और मैं। मराठवाड़ा में भूकंप हुआ, अगर नागपुर के आसपास के लोग जिस दिन भूकंप हुआ उसके एक दिन के बाद लोकमत समाचार पत्र के पहले पन्ने पर उस वक्त के दयानंद कला महाविद्यालय के अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हमारे गुरुजी, उनके कविता छप कर आई थी। गाय गेली माय गेली दुधावरची साय गेली, अंगणातली मेक गेली घरातली लेक गेली। मुझे आज भी वो कविता याद है कि भूकंप होने के बाद ठीक दूसरे दिन राज्य के प्रमुख समाचार पत्र के छाती पर, पहले पन्ने पर ये कविता छप कर आई। किसी भी प्रकोप का परिणाम जो होता है, मैंने कहा कि दो पद्धति से होता है। ये तुरंत परिणाम जब इस देश में इस पद्धति के, मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि पिछले चार महीने से जिस महामारी से हम गुजर रहे हैं, इस दरमियान हिंदी मराठी में मैंने इतनी कविता इस पर, वो कैसी थी क्या थी ये बात अलग, बहुत उत्कृष्ट कहानियां चार महीने के अंदर कम से कम तीन चार कहानियां मैंने पढ़ी। ये तुरंत होने वाले परिणाम, औरंगाबाद के आसपास दरबार के पास जो निद्रित लोगों को कुचल कर ट्रेन चली गई, अगर हिंदी के महत्वपूर्ण पत्रिका जो कि ऑनलाइन है उस पर नजर अगर डाले तो चार आठ दिन में किस पद्धति की कविता आई थी आपको दिखाई देगी। उसी पर एक बहुत दर्द भरा गीत भी YouTube पर मैंने सुना। साहित्य पर जो घटनाएं ऐसी घटित होती है उसका परिणाम, और जो धीरे धीरे परिणाम है उसके दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं।
कृपया बीच बीच में जो आवाज आ रही है वो कम करे तो अच्छा रहेगा। जो तुरंत परिणाम हमने देखे, लेकिन धीरे से जो परिणाम होते हैं, उस धीरे से परिणाम के दो उदाहरण में एक वैयक्तिक मेरा उदाहरण में देना चाहता हूं। एक 7-8 वर्ष पहले मैं बहुत परेशान था। परेशानी का कारण ऐसा था कि कुछ दिनों से मेरे चेहरे पर काले धब्बे मुझे दिखाई दे। और उस काले धब्बे से परेशानी यह थी कि भाई जो है वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। बात यहां सुंदर और विद्रूपता की नहीं है, बात मानसिकता की है। और जब चेहरे पर काले धब्बे दिखाई दे रहे, तो मेरे मित्र ने, एक दो मित्र ने मुझे कहा कि भाई किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास आप जाइए। और मैं कई लोगों की राय लेकर शहर के एक बहुत बड़े स्किन स्पेशलिस्ट के पास चला गया। एक आधा घंटा घंटा भर उन्होंने अलग अलग पद्धति से मेरे चेहरे की जांच की। उन्होंने कहा खून की भी जांच करनी पड़ेगी, खून की जांच की, और दूसरे दिन रिपोर्ट लेकर आने के लिए कहा। मैं गया, उनको मालूम था कि मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं। वो हंसकर मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब, आप आपके बालों को रंग कब से लगाते हैं? मैंने कहा कि करीब करीब 10-12 साल से लगा रहा। ये जो रसायन है जो लगाते हो, उस रसायन में से कुछ ऐसे तत्व है जो कि आपके ब्लड में मिल गए, जो कि हानिकारक है। उसका एक्शन, उसका रिएक्शन है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि पर्याय क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर लगाना ही चाहते तो कुछ आयुर्वेदिक ऐसे कुछ वो रसायन है कि जिसके नाम मैं दे सकता हूं, जिसके परिणाम आपके चेहरे पर या स्किन पर नहीं होंगे। मैं घर आकर सोचने लगा, यह सब होने के लिए 10-15 साल लगे। तब तक और इस कारण में था कि 90 के आसपास में यह नीति जब लागू होती है, ठीक उससे लगभग 30 वर्ष होते। चलते केंद्र का 30 वर्ष का साहित्य, इस नीति के कारण इस 30 वर्ष के साहित्य पर कौन से परिणाम हुए हैं, और इस नीति के कारण इस 30 वर्ष के साहित्य जगत में कौन सी चुनौतियां निर्माण हो चुकी हैं। साहित्य के केंद्र में मनुष्य के अलावा और कुछ नहीं होता, यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। न जंगल होता है, न पानी होता है, वो तो मनुष्य के साथ मनुष्य के लिए जीने के लिए, या मनुष्य जहां रहता है वो सारा परिवेश उसमें होता है, लेकिन मुख्य रूप से मनुष्य होता है। इस कारण व्याख्यान के शुरुआत में मैं कहूंगा, किसी भी समय के साहित्य का सारोकार या सरोकार मनुष्य से होता है। साहित्य मनुष्य से शुरुआत होता है, साहित्य मनुष्य से गुजरता है, और जहां तक मनुष्य है वहां तक साहित्य पहुंचता है। यहां तक ठीक है? जहां तक मनुष्य है वहां तक साहित्य पहुंचता है, यहां तक ठीक है?
लेकिन मनुष्य पर जो परिणाम होते हैं, मुझे लगता है कि उसका साहित्य होता है। वो परिणाम अच्छे हो बुरे हो, लेकिन उस परिणामों का साहित्य होता है। भूकंप हुआ और साई गेली, माई गेली, लेक गेली, दारात्री मेघ गेली, क्या ये? हमने देखा कि जब इस देश में सुनामी आई तब एक डेढ़ साल तक इस हिंदी साहित्य में कितनी कहानियां और कितनी कविताएं आई सुनामी पर। कौन था केंद्र में सुनामी के, कौन था केंद्र में भूकंप के? मनुष्य। इसका जो मनुष्य पर परिणाम होता है, मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका साहित्य होता है। अब इस वैश्वीकरण के मानवीय जीवन पर, मानवीय बस्तियों पर कौन से परिणाम है? मनुष्य जिस समाज में रहता है उस समाज पर क्या परिणाम हुआ है? अर्थकारण पर तो कौन से परिणाम हुए हैं? जो बहुत भयानक परिणाम मैं देख रहा हूं, एक लेख मैंने अनुवादित किया था, वो छपकर भी आया था शायद दिल्ली के एक पत्रिका में, और उसमें वो उत्तम कांबड़े का था, रणसुबे जी ने एक किया था, मैंने एक किया था, तो उसके केंद्र में कि इस वैश्वीकरण ने इस देश की भाषा का क्या नुकसान कर दिया है और शिक्षा का क्या नुकसान कर दिया है। वो पढ़ने के बाद इतनी बेचैनी निर्माण होती है, लगने लगता है कि ये तो प्रकोप तो नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि 1991 के बाद जिन घटकों पर, जिन हिस्सों पर, जिन संदर्भों पर मैं जानबूझकर ये कह रहा हूं कि मराठी के एक मेरे मित्र बहुत बड़े लेखक है, वो वैश्वीकरण के बाजू में बोलते हैं, उसकी अच्छाई के बाजू में बोलते हैं, उन्होंने लिखा भी है। मैंने दोनों संदर्भ मैंने ठीक तरह से पढ़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उससे हैरान परेशान जो मनुष्य है उसका साहित्य है। चलते चलते दो उदाहरण देता हूं। झारखंड के एक हमारे मित्र है, उनकी एक कहानी है, जो कहानी मैंने सोलापुर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में ली थी, उसका अनुवाद मैंने किया था मराठी में, जो दो जगह छपकर आई है, एक उस वक्त सोलापुर के सकाळ के दीपावली अंक में आई थी और कुमार सप्तर्षि ने अपने मासिक सत्याग्रह में उसको छापा था। वो कहानी है बाजार में रामधन। मैं उस कहानी का प्रकाशन वर्ष तो ये 90 के बाद की है, लेकिन उस कहानी पर जो तीन वाक्यों का स्टेटमेंट था वो नामोर सिंह जी का था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी वो हंस में छुपी थी। उस कहानीकार से मैंने फोन पर बात की, हम आगे चलकर मित्र बने, मेरे अंदर उन पर रिसर्च भी हुआ है, आज भी एक छत्तीसगढ़ के जूनियर कॉलेज में वो अंग्रेजी के टीचर है, संपर्क में है। बाजार में रामधन, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे व्याख्यान भी देने की जरूरत नहीं, वो कहानी पढ़े अगर पढ़े तो।
ये बाजार हमसे क्या छीन ले रहा है, अथवा छीन ले रहा है इसका अर्थ मैं उसके विरोध में हूं ऐसा नहीं, या उसके पक्ष में हूं ऐसा भी नहीं है कि हम एक अध्यापक है, हम एक विद्यार्थी है, जो सही है वो बोले। सुबह से लेकर जागने से लेकर नींद लेने तक हम किसके बीच होते, तो बाजार के बीच होते। अगर हिंदी के कवि के भाषा में अगर कहना है तो हम विज्ञापन के बीच सांस लेते हैं, और हमें उस पद्धति का मजबूर किया है। बीच में एक मैंने लेख लिखा था, उसमें मैंने ये कहा था कि बाजार ने हमें क्या क्या दिया है, या बाजार की कितनी, एक शहर में मैं चला गया था, एक हादसा हुआ था, तो एक मेरे मित्र के पिताजी की डेथ हुई थी, तो मैं स्मशान भूमि गया, मैं दंग रहा, हैरान रहा कि स्मशान भूमि के गेट के बाजू में एक शॉपिंग सेंटर था और गेट को सटकर एक एटीएम था, और उसके बाजू में एक दुकान थी जहां सारा ये अंतविधि का सारा सामान मिलता था, यानी कि आप एटीएम से पैसे निकाले, वहां जो जो सामान लगता है मृत्यु के बाद वो सारा आपको वहां मिलेगा, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। ये बाजार ने कैसे हमें घेर रखा हुआ है, और तो और यहां के पिछले साल एक जिस विश्वविद्यालय में मैं काम करता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पुनश्चर्य पाठ्यक्रम में, जो कि तीनों भाषा का था, उसमें एक बात मैंने रखी थी जो कि यहाँ की काफी मेरे जो मित्र है वो दासु वैद्य जैसे, उन्होंने उस पर काफी आपने चर्चा की थी कि इस 30 साल में, मैं उस पर आगे बोलूंगा, इस 30 साल में चित्र कैसे बदले हुए हैं, पेंटिंग गीत कैसे बदला हुआ है, 30 साल में, 30 साल के पहले, 90 के पहले हिंदी के पुस्तकों के मुख पृष्ठ आप देखिए, और 1991 से लेकर 20 तक के मुख पृष्ठ आप देखिए। मैं कहता हूं कि एक शोध का विषय है, फिलोसॉफिकल, विस्तार से समय मिला तो आगे बोलूंगा ही, क्योंकि 1 बजे यह समाप्त होने वाला है, एक वक्ता बोलने वाले, लेकिन अधिक समय मैं उनकी माफी मांग कर लूंगा। मुझे मोहन राकेश का एक नाटक याद आता है, अध्यात्म, नब्बे के बाद के बहुत अच्छे अच्छे प्रकाशक जो कि पुस्तक को पढ़कर उसका सार मुखपृष्ठ पर लेते हैं, कभी जब मैं विद्यार्थी था, वादविवाद वक्तृत्व स्पर्धा में जाता था, तब मैं नारायण सुर्वे के माध्यम विद्यापीठ पर जो मुखपृष्ठ है उस पर बोलता था, उनकी दूसरी कविता की पुस्तक है जिस पर एक पंखुड़ी है और जिसका पंख किसी काटा जो है उसमें छुप जाता है और रक्त नीचे गिरने लगता है, वो इस पद्धति के सिंबॉलिक लेकिन बहुत दर्द भरे और उस समय और समाज का दर्द व्यक्त करने वाले मुखपृष्ठ थे, वैसे आज है। जब इस पद्धति की घटनाएं स्वीकृत, इस पद्धति की संदर्भीय घटनाएं स्वीकृत की जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मूल्यों को जलाती है। और मनुष्य के अंतस्तल पे बाबरी मस्जिद का विध्वंस और 90 के बाद से लेकर आज तक के इस देश के अर्थसंकल्प, उसी वर्ष इस देश में वैश्वीकरण क्यों आता है,
बहुत बड़ा, बहुत बड़ी इसके पीछे वैचारिक है, मैं कहूंगा उस पर। सोवियत संघ का विघटन मैं इस कारण कहता हूं कि उसके बाद जो भारतीय स्थितियां निर्माण हुई, अगर कभी हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे तो गैट करार वगैरह कानों पर उस वक्त आता था 90 के आसपास, जो भारतीय जीवन पर, भारतीय जनमानस पर जो परिणाम हुए, कभी कोई विद्यार्थी या कोई मित्र अगर उपन्यास पर बोलना चाहता है तो आपको सोवियत संघ के विघटन तक जाना ही होगा। दुनिया में कब उपन्यास साहित्य के लिए उपन्यास नाम की चीज कब आई, भारत में कब आई? मित्रों, उसका कारण ऐसा है कि समाजवाद और पूंजीवाद का जो संतुलन था, देख लीजिए, ठीक तरह से समझ लीजिए, समाजवाद और पूंजीवाद का जो संतुलन था वो सोवियत संघ के विघटन के कारण समाप्त हुआ। मेरे पास ऐसे ढेरों ग्रंथ, ढेरों नहीं कहूंगा, इतना बड़ा नहीं हूं मैं, ऐसे इतने संदर्भ है कि ये कौन सी मजबूरी, कौन सा कारण था। मैं अंग्रेजी जानता नहीं, लेकिन मित्रों से वो जानकर लिया मैंने कि उस वक्त पंत प्रधान कार्यालय में जो अर्थशास्त्री इस पर बहस कर रहे थे, उस वक्त एक महाराष्ट्र का भी व्यक्ति था जो कि कभी पुणे विश्वविद्यालय के कुछ वर्ष तक कुलगुरु थे, जाधव नाम के, नरेंद्र जाधव। उनका द हिंदू में आया हुआ एक लेख अगर उस वक्त के रविवार में, मुझे लगता है कि ये 93-94 की बात होगी, कि द हिंदू में एक इतवार के दिन एक आधा पन्ना लेख आया था डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अर्थनीति कौन सी है, कैसे अब देश को निकाला जाए बाहर। ये कोई बहुत सहज स्वीकार किया हुआ सीधी नीति नहीं है। जब कुछ पर्याय नहीं होता, देश को तो आगे लेकर जाना है। इस कारण मैंने कहा कि ये जो घटना हुई, उस घटना के पीछे आपको वहां तक जाना पड़ेगा। और भी कुछ संदर्भ है, लेकिन मैं सामने में ये घड़ी है उसको देखकर मुझे पूरा करना है। समाजवाद और पूंजीवाद का जो संतुलन था वो सोवियत संघ के विघटन के कारण समाप्त हुआ, और उसका परिणाम यह हुआ कि विश्व शक्ति अमेरिका बन गई। तब तक नहीं थी। ध्यान रखें, समाजवाद और पूंजीवाद का जो संतुलन था वो इस सोवियत संघ के विघटन के कारण समाप्त हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि अब विश्व शक्ति अमेरिका बनी, और अमेरिका ने बाजार के आधार पर विकसनशील और अविकसित राष्ट्रों को फिर उंगलियों पर नचाने की शुरुआत की। आप इसको, इस पर आप सब प्रबुद्ध हैं, मुझे मालूम है कि आप सब अध्यापक मेरे स्नेह के कारण, मुझे मालूम है मेरे स्नेह के कारण, मेरी मित्रता के कारण आप सुन रहे हैं। लेकिन हम जैसे पढ़ने पढ़ाने वाले व्यक्ति ने इस पर विचार करना चाहिए। काफी लिखा गया, बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं
हिंदी में, आज भी अगर ये विघटन नहीं होता, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय साहित्य का चेहरा थोड़ा बहुत अलग होता। दूसरा संदर्भ ऐसा है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस का परिणाम। जाने को मात्र हिंदी साहित्य, देश के अलग अलग हिस्सों के विश्वविद्यालय में जो हमारे मित्र है, परसों ही जम्मू से मुझे एक मित्र का फोन आया था, लंबी बातचीत हुई क्योंकि घर में कैद है सब लोग। तो इन सभी बातों की जब चर्चा होने लगी तो मैंने जब कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस का परिणाम न मात्र उत्तर प्रदेश पर हुआ, भारतीय राजनीति पर तो हुआ ही हुआ, लेकिन मेरा कहना है कि पूरे भारतीय साहित्य पर हुआ है, भारतीय शिल्प कला पर हुआ है, भारतीय संगीत पर हुआ है, भारतीय जनमानस पर हुआ है। ध्यान में रहे भूमंडलीकरण का करण का प्रवेश, वैश्वीकरण का प्रवेश तब इस देश में होता है जब इस देश में कहने के बजाय मैं कहूंगा कि मेरे देश में, भारतीय भारत में, हिंदुस्तान में सांप्रदायिक शक्तियां जब उफान पर थी तब वैश्वीकरण इस देश में ये नीति लागू होती। मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं इसका संदर्भ दूंगा। उधर भाई भाई का नारा देने वाला देश परिणाम कैसे होते देखे, उधर भाई भाई का नारा देने वाला देश अब आर्थिक उन्माद पर खड़ा हुआ। चारों ओर से भारतीय उस वक्त ये सारी ओर उसकी स्थितियां कैसी देश की हुई, बाबरी मस्जिद का विध्वंस होने के बाद आप उस वक्त आप मैं समझदार थे, समझता था। क्या हुआ परिणाम, यह हुआ कि इस देश में बम विस्फोट का सिलसिला सुपुर्द हुआ। बंबई में देखा होगा, जब आपस में आप लड़ रहे हो, अपना आपका देश ही आपस में लड़ रहा है, आपका देश का समाज ही आपस में लड़ रहा है, तब उसको डिवाइड एंड रूल। ठीक इस वक्त इस देश में ये नीति अलग होगी। अठारह में भाई भाई कहकर हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। मैं क्या कह रहा हूं, 1857 में मेरा इशारा जान लीजिए, 1857 में भाई भाई कहकर अंग्रेजों को खदेड़ने वाले हम अब दरारें पड़ने लगे, और बराबर इसका फायदा अमेरिका ने उठाया। इस कारण ये करार वगैरह जो होते हैं वो ठीक है,
ठीक याद मुझे अभी वो तिथि है कि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद पर ये विध्वंस हुआ। अब आगे हमें ये देखना होगा, अरे आवाज बीच में ना आए, आगे हमें ये देखना होगा कि साम्राज्यवाद की बढ़ती आक्रामकता शुरुआत मैंने की थी वो संतुलन था तो वो तो टूट गया, बिगड़ गया विघटन के कारण। अब साम्राज्यवाद की बढ़ती आक्रामकता जो है उसे साहित्य की दुनिया हिल गई। अगला स्टेटमेंट देखिए कैसा है, मैं जानबूझ कर कह रहा हूं इस वाक्य के बाद, साम्राज्यवाद की बढ़ती आक्रामकता ने साहित्य की दुनिया हिल गई। उसके आगे देखिए, बाजार और सत्ता के सामने समर्पित समाज की चिंताएं मुझे साहित्य में दिखाई देने लगी। समाज को भी अब पर्याय नहीं था ना, दो शब्द है वहां, सत्ता और बाजार। हमारा बचपन का समाज देखिए, हमारा बचपन का स्कूल देखिए। कल एक मित्र से इस विषय पर बात करने तो मैं उनको पूछ रहा था कि इस देश में वृद्धाश्रम कब से आया, नहीं थे पहले। इस देश में शववाहिनी कब से आई है, शवदाहिनी कब से आई है, इस देश में अंग्रेजी स्कूल कब से आए हैं जो कि अब कुकुरमुत्ता के जैसे हर गांव तहसील जिले में आए हैं। मेरी बीए फर्स्ट ईयर से लेकर पीएचडी तक की तनख्वाह खर्च कितना पैसा लगा था, और आज अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाला पहली का बच्चा उसकी जितनी फीस होगी उतना मुझे फर्स्ट ईयर से लेकर पीएचडी तक पैसे लगे होंगे, क्योंकि पीएचडी का तो सारा खर्च मैंने लिख कर रखा हुआ है। और अब ये नीतियां दुख इस बात का है कि ये नीतियां हमें इससे कट्टर जीने नहीं देती। मैंने कहा कि बाजार और सत्ता के सामने समर्पित समाज की चिंताएं मुझे साहित्य में दिखाई देने लगी। यह कहूं तो मुझे माफ कर देंगे आप लोग, 1990 के बाद आई सरकारें अमेरिका के सामने झुकने लगी। मेरा बीए में अर्थशास्त्र विषय था, ये मेरा सौभाग्य था कि यहां के कुछ प्रोफेसर मित्रों से मैंने अर्थसंकल्प पढ़ने का हुनर थोड़ा सीख लिया। 90 के बाद के जितने भी अर्थसंकल्प आए हैं आज तक, और मैं कहूं कि दल अलग अलग है, उनके अर्थसंकल्प देखिए। साहित्य के विद्यार्थी को ये अर्थसंकल्प थोड़ा तो समझना चाहिए। उसका कारण है कि मनुष्य पर उसके परिणाम होने वाले, और जो परिणाम मनुष्य पर होते हैं वो साहित्य में आता है। अब भूकंप की उस कविता को मुझे अगर पढ़ाना है अथवा बाजार में रामधन मुझे पढ़ाना है वो कहानी, मैं सरल नहीं पढ़ा सकता। मुझे सबसे पहले यह वैश्वीकरण क्या है समझना चाहिए, भूकंप कैसा आता है, प्रकृति वो किस पद्धति की जमीन होती है या हर जगह क्यों नहीं आता, जमीन के अंतर्गर्भ में रचना कैसी होती है, वो क्या क्या होता है। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के उस वक्त के बहुत दूरदृष्टि कुलगुरु महोदय
वाघमारे साहब ने वो विषय उस विश्वविद्यालय में रखा, भूकंप शास्त्र। उस कविता को पढ़ने के लिए उस वक्त जो कुछ विद्रुप हुआ, प्रकृति ने जो कुछ छीन लिया, उसको जब तक मैं समझता नहीं तब तक मैं समझाता नहीं कविता। यह अर्थ संकल्प समझे बगैर हम कैसे वैश्वीकरण पर बात कर सकते हैं? मैंने समझ लिया उतने सारे, वो सारा का सारा समझ लिया ऐसा नहीं है। आज भी हम पेट्रोल किससे लेते हैं? हम यानी कि हम नहीं, हमारा देश। जब मेरे मित्र यहाँ के प्रोफेसर और हेड है इकोनॉमिक्स के, उनसे बात हुई, जब मुझे अर्थशास्त्र इसमें है तो बोलना था, तो मैंने कहा, तो उन्होंने एक वाक्य में मुझे कहा कि वो मुझे दादा कहते हैं, दादा इस देश में 14 घराने ऐसे हैं, परिवार ऐसे कि जिनके इशारे पर इस देश का अर्थ संकल्प बनता है। अंदर की बात उन्होंने कहा कि ये 14 घराने ही, उनके समझ में आता कि ये दल शासन में आने वाला है तो उनको वो फाइनेंस करते, उसमें हमें जाना नहीं। इस नीति का परिणाम देश के समाज पर कैसा हुआ, मनुष्य पर कैसा हुआ, और मेरे साहित्य में, भारतीय साहित्य में, मेरे हिंदी साहित्य में कौन सा परिणाम हुआ, कैसी चुनौतियां निर्माण। हिंदी में लिखकर रखा हुआ है, वही मैं कह रहा हूं, मेरे पास, मैंने अपने मन का कुछ नहीं। सोवियत संघ के विघटन के पहले हिंदी के साहित्यकार के पास लड़ने की उम्मीद थी, एक सपना भी था। अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने की ताकत भी थी। मैं इस हवाले से यह कह रहा हूं, पिछले 10 साल से मेरे पास एक पत्रिका आती है मध्य प्रदेश से, वहां के उसके पहले संपादक हरिशंकर परसाई थे, प्रगतिशील लेखक संघ वो निकालता है, उसका एक अंक है जो कि इंग्लैंड में थे प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन, प्रेमचंद तो थे ही लेकिन सज्जाद रसिक ऐसा कुछ तो नाम है, मैं भूल रहा हूं, इंग्लैंड में थे ये सब प्रगतिशील लेखक संघ के उस वक्त के जो मान्यवर पिलर थे। एक विशेषांक की भूमिका में उन्होंने, इतना बाद में आए हुए विशेषांक, उन पर एक विशेषांक है, उसकी भूमिका में लगभग 20-22 पर उनकी भूमिका है, अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने की उस वक्त की लेखकों के पास, न मात्र हिंदी के, भारतीय लेखकों के पास एक उम्मीद थी, ताकत थी, एक सपना था। अब मैं जिस वाक्य का उपयोग कर रहा हूं उसका समर्थक मैं हूं ऐसा मत मानिए, हूं या नहीं बात अलग है, लेकिन जो चिंतकों ने लिखकर रखा हुआ है मैं आपके सामने दूंगा। एक रोड मॉडल था वामपंथी राजनीति का, हमें लेना देना नहीं है, हम साहित्य के पक्ष के लोग हैं, हमारा दल विद्यार्थी है, साहित्य है, हम जो पढ़ रहे हैं वो उससे आधार पर हमें इस साहित्य को समझना है। उस वक्त एक रोल मॉडल था वामपंथी राजनीति का, हिंदी के या भारतीय साहित्य के लेखक कवि उससे ऊर्जा लेकर लिखते थे। मुझे याद आने लगे मुक्तिबोध, मुझे याद आने लगे बाबा नागार्जुन। कैसा होता है कि अब समझ में आने लगा, आगे चलकर वामपंथी सरकारें ध्वस्त हुई, वामपंथ का आज के तारीख में क्या हालत है ये हम देख रहे हैं, उसके कारण अलग है, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं,
लेकिन इसी विचार ने कभी चीन और रशिया में कैसी क्रांति हुई थी, दुनिया को हिला डाला था इसी विचार ने। जब मैं मार्क्सवादी आलोचना पढ़ाता हूं एमफिल के विद्यार्थी, दुनिया के स्तर पर मार्क्सवाद का, किस पद्धति के मार्क्सवाद है कि उस विचार प्रणाली का, वो सारा समाप्त हुआ। एक घटना का उल्लेख मुझे करना है, कृपया सुनने वाले सारे मेरे मित्र है वो अन्यथा नहीं लेंगे। एक समय इस देश में ऐसा हुआ, मैं आज की या कल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम सीधा किसी भी संदर्भ को जोड़कर फिर उस व्यक्ति को देखने लगते हैं। मित्र हो ऐसा मत कीजिए। इस देश का समाज एक समय ऐसा हुआ कि नायक विहीन समाज, एक उदाहरण मैं देता हूं, वो व्यक्ति आज भी है, जिंदा है, बहुत बड़े मराठी के चिंतक है। मुझे याद है कि तब मैं आज के पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होड़कर सोलापुर विश्वविद्यालय, तब सोलापुर विश्वविद्यालय था, और मैं उस विश्वविद्यालय में 5 साल के लिए मैं गया था संचालक के नाते। अलग अलग व्याख्यान का आयोजन होता था, अलग अलग व्याख्यान के लिए मैं जाता था। कुर्दवाड़ी में, सोलापुर जिला में कुर्दवाड़ी नाम का एक जंक्शन है, छोटा सा शहर है, वहां एक दंपति है, पति एमडी है, एमएस है और पत्नी एमडी है, हमारे मित्र हैं, वो एक साहित्यिक पुरस्कार देते हैं। और मुझे याद है कि उस वक्त वो पुरस्कार दिया गया था विद्रोही तुकाराम को, मैं एक उसका सदस्य था, उस कमिटी का, पुरस्कार किसे दे। और उसके लिए बुलाया था हमने उस वक्त के सकाल के संपादक विजय कूड़ेकर नाम के थे, बहुत बड़ा व्यक्ति है। कार्यक्रम की शुरुआत होने के पहले, अब मैं तो उस जूरी में था इस कारण विश्राम गृह में उनके साथ बात करते हुए मैंने कहा कि संपादक महोदय, आप जैसे विचारी व्यक्ति से मैं उत्तर ये चाहता हूं कि सकाल समाचार पत्र पिछले 7-8-10 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि छोटे बच्चों के लिए चित्रकला की स्पर्धा पूरे भारत में चांदा से बांधा पूर्व पश्चिम दक्षिण कर लेते हैं। मेरा सवाल यह था कि भाई अगर हर तहसील, हर गांव, हर जिले, कितने गांव है, कितने लोग उसमें जुड़ते हैं, कितना कागज नष्ट होता है, खराब होता है, कितना रंग। ये किस कारण सारा है? 1 साल पहले के लिए ठीक था, कागज तो प्रकृति के बीच के संदर्भों से बनता है, पेड़ों से बनता है, लोग कहते हैं, या अन्य किसी से बनता होगा, रंग भी प्रकृति के गोद से आता है, कितना हम नुकसान कर रहे हैं। वो हंसे और मेरी ओर देखते हुए कहा, आओ इधर बैठो, मेरे कांधे पर हाथ रखा और मुझे कहा कि मैं एक निरीक्षण करना चाहता हूं। आप साहित्य के विद्यार्थी हो, साहित्य के अभ्यासक हो, ऐसा लगना स्वाभाविक है। आपने मुझे कहा, उन्होंने मुझे कहा कि देखो हमने छोटे बच्चों को लिया है, 4th-5th या 6th-7th तक बच्चे होंगे, और यह देखा होगा कि 10-12 साल मैं एक ही विषय देता हूं। मेरा प्रिय नहीं था, सब मेरे सामने, वो सब 10-15 साल मेरे सामने आए और एक ही विषय पूरे बार महाराष्ट्र, मेरा प्रिय नहीं था। 12-15 साल के बाद उन्होंने निष्कर्ष के तौर पर इन छोटे बच्चों ने किन किन नेताओं के चित्र निकाले, इसका हिसाब गणित किया, और उनके ध्यान में ऐसा आया कि सबसे अधिक चित्र निकाले गए
महात्मा गांधी के, नेहरू के हैं, सरदार के हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के हैं, फुले के हैं। और उन्होंने कहा कुछ चित्र महिलाओं में सरोजिनी नायडू के हैं, और उन्होंने कहा कि कुछ चित्र अंतिम अंतिम कुछ तो थोड़े बहुत चित्र थे ईश्वरराव चव्हाण के। अब वो एरिया होगा सतारा सांगली कोल्हापुर का होगा या पुणे मुंबई इधर का होगा। अब इनसे बात में उनकी भेंट मेरी 2005-07 के दरम्यान की, 5-6 के दरम्यान की। आगे वो थोड़ी बात हुई और मैं उठकर चला गया, इतना बेचैन हुआ कि मुझे मालूम था, मुझे तिथियां याद थी, इंदिरा गांधी में कुछ चित्र थे, अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ चित्र थे, चित्र अंतिम चित्र था यशवंतराव चव्हाण का। यशवंतराव चव्हाण की मृत्यु होती है 80 के दरम्यान, मैं बात कर रहा हूं 2005-06 से। और उनका निष्कर्ष ऐसा है कि 2005 तक हमें अंतिम चित्र यशवंतराव चव्हाण का है। इस छोटे बच्चों ने इस देश को यह कहा 80 से लेकर 2005 तक इस देश को नेता लगे, राजनेता हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, मंत्री हो गए, लोगों का नेता नहीं है। मित्रों ये बहुत भयानक है, ये बहुत बड़ा भयानक है। अगर नाविक ही नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? कुर्सी पर है लोग, अलग अलग दलों के प्रमुख है, लेकिन ये छोटा बच्चा ये कहता है, ये छोटे बच्चे कहते कि ये हमारे नेता नहीं, ये उस दल के नेता होंगे, देश के प्रधानमंत्री होंगे। मेरे जैसे आप जैसे पढ़ने वाले पढ़ाने वाले थोड़ा बहुत समझने वाले लोग क्या लेंगे इससे? और इसका परिणाम यह हुआ नव उदारवादी ताकतें उभर कर अपने विषय के ऊपर, नव उदारवादी ताकतें उभर कर आई। आवारा पूंजी के एजेंट सरकार बनने लगे। देखो भला मैं बहुत नपेतुले शब्दों में बोल रहा हूं क्योंकि सुनने वाले लिखने पढ़ने वाले है ये मुसलमानों में। ऐसे स्थिति जहां ये बच्चा कहता है कि इस देश को नेता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गृहमंत्री है, मुख्यमंत्री है राज्यों को, हमारा जो होता है, जो हमारा सुनने वाला हमारे लिए कुछ करने वाला, जिनके प्रति हमें कुछ है, जिन्हें हमारे प्रति कुछ है, ऐसा नेता नहीं है। और ऐसे स्थिति में जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा? तो मैंने उसका उत्तर दिया कि नव उदारवादी ताकतें उभरने लगी और आवारा पूंजी के एजेंट सरकारी बनने लगी। और उसी को मैं जोड़ देता हूं, उसी को मैं जोड़ देता हूं कि यही मुझे ऐसा लगता है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समाप्त हो। कृपया मैं एक मिनट संयोजक को कहता कि मुझे कहां रुकना है क्योंकि 12:30 बज रहे हैं। आपका एक तक अगर समय आगे है तो मैं एक तक बोलूंगा, नहीं तो मैं मुझे 5-10 मिनट दीजिए, मुझे कहिए अथवा मैसेज भेज दीजिए रुकने के लिए। मैं कह रहा हूं कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समाप्त,
आपने मुझे कहा है ना चुनौतियां कौन सी है। मुझे माफ करें आप लोग, लेकिन इस वक्त जो साहित्य निर्माण हुआ, जिसको आपने पढ़ा मैं पढ़ रहा हूं, वो इन परिणामों के शोक का साहित्य है, समझ मात्र शोक का साहित्य नहीं, इन परिणामों के शोक का साहित्य। यानी कि नेता नहीं है, कल्याणकारी राज नाम की चीज थी जिसको हम राम राज कहते थे। सर संभव लगे मुझे मुझे मैसेज 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 भेज दीजिए। कल्याणकारी राज की संकल्पना और इन सारे परिणामों का यह होता है कि उसके बाद जो साहित्य निर्माण हो रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूं, संदर्भ लगता है या नहीं, लेकिन मुझे कहने के सिवाय बेचैनी हो रही है। जब करमाड़ में यह घटना घटी, दूसरे दिन मुझे संजू का फोन आया तो कहते कि 3 दिन तक सोया नहीं, दिन रात आंखों का पानी थमता नहीं। इतनी कैसी गूंगी और भैरी सारी जमात बन गई है, मनुष्य इतने मर गए, सारे कीचड़ खून के हैं, रक्त के हैं, क्या लिखूं मैं, कैसे लिखूं मैं। मैंने क्या कहा, शोक का साहित्य। इस शोक का साहित्य आगे क्या हुआ, पूंजी का साम्राज्य। इस देश में मैं जानबूझ कर कह रहा हूं मित्रों, नवीन धर्म की स्थापना हुई, वो है शॉपिंग धर्म, पूंजी का साम्राज्य। धर्म का नाम है शॉपिंग, शॉपिंग नाम का धर्म। नवीन मंदिर इस देश में आया, अमेरिका नाम का मंदिर, सोच लीजिए आप। आप कहोगे कि साहित्य पर इसका क्या परिणाम है, आंखें खोलकर अगर हम देखेंगे अमेरिका की नीतियों का, बाजार का, यहां की बदली हुई स्थितियों का, न मराठी का साहित्य न बंगाल का साहित्य। मैं एक नंबर देता हूं आपको, घोष नाम के एक प्रोफेसर है पश्चिम बंगाल, कभी ये तो कम्युनिस्टों का गढ़ था पश्चिम बंगाल, ये वैश्वीकरण के बाद भारत में क्या हुआ है, वो जब बोलने लगता है तब लगता है कि यहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं। मैंने कहा कि पूंजी का साम्राज्य, साम्राज्य का अर्थ क्या है राज्यशास्त्र में, जिसका राज चलता है पूरे देश पर, वो साम्राज्य। अब जिनके पास पैसा है गली में उसका राज है, गांव में उसका राज है, शहर में उसका राज है, देश में उसका राज होगा। पूंजी उसका नाम है, धर्म शॉपिंग नाम का। एक नया धर्म आया और अमरीका नाम का मंदिर इस देश में स्थापित हुआ। अब क्या हुआ, एक नया धंधा इसमें आया, मुस्कान बेचने का धंधा है। उसी घोष साहब को मैंने एक प्रश्न किया था तो उसने मुझे कहा कि धैर्य रखिए और समय है तो सुन लीजिए। मैंने कहा कि इस तिथि से, इस साल से इस साल तक दुनिया में सबसे अधिक भारत की ही लड़कियां विश्व सुंदरी क्यों है, रिसर्च का ये टॉपिक। सबसे इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि मेरे भारत में सुंदरता कमी है,
मैंने तो कहा था, मैंने एक लेख पढ़ा हुआ था, मैं जब एमए में छात्रावास में रहता था तब एक महाराष्ट्र टाइम्स में लेख पढ़ा था, एक मराठी के लेखक ने कहा था कि माझ्या आईला कधी ही एका रंगाचं लुगडं मिळालं नाही, ते तुकड्या तुकड्याचे शिवून ती साडी नेसायची. त्या लेखाचं नाव होत माझ्या आईचं सौंदर्यशास्त्र. तो उसने कहा था कि दुनिया में सबसे सुंदर मेरी माँ है. इस कारण यहाँ की सारी माताएं मेरी बहनें सुंदर है, वो बाहर से सुंदर नहीं होगी, अंदर से सुंदर काफी अधिक होगी. लेकिन हमारा ये विषय कि दुनिया के स्तर पर भारत की ही विश्व सुंदरिया क्यों है, उस पर काफी लिखा गया, काफी लोग सुंदर अपनी बात रखते हैं, इसके पीछे भी एक बाजार था. इस कारण मैंने कहा कि साम्राज्य पूंजी का है, धर्म शॉपिंग का है, अमेरिका नाम का मंदी इस देश में आया और शॉपिंग धर्म के बाद यहां एक कला विकसित हुई है, वो है अपनी मुस्कान बेचने की. इस देश में मैंने कहा था, वहां आया हूं मैं, गीत कौन से निर्माण हुए, गीत निर्माण हुए हैं पैसों के, गीत निर्माण हुए हैं पैसों के. पहले स्पर्धा कौन सी थी, खेल की स्पर्धा थी, प्रतियोगिता अलग अलग थी ना, वादविवाद प्रतियोगिता थी, कविता की थी, कहानी की थी, अब प्रतियोगिता है सौंदर्य की. यह 90 के बाद की बात कर रहा हूं. और एक नई दुनिया यहां बसी हुई है, वह है मार्केट और उपभोक्ता. यही दुनिया है, बाकी सारा जंगल है. गांव खाली होने के कारण कौन से है, कुशावाह नाम के एक मध्य प्रदेश के पहले आईएएस ऑफिसर थे, अब एक पत्रिका निकालते हैं और हर साल एक सम्मेलन लेते हैं, उनके पुस्तक है एक कथा में गांव नाम की. गांव खाली क्यों हुए, उसके पीछे भी बाजार. हमें आकर्षण किन बातों का है, हम रूठते थे बचपन में छोटी छोटी बातों के लिए, आज बच्चे रूठते हैं, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे टैब चाहिए, घर में ऐसा एलसीडी चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसा ये चाहिए, ये किसका प्रभाव. इस कारण मैंने कहा कि मार्केट और उपभोक्ता यही दुनिया है, इससे हम बच ले सकते हैं, बाकी सारा जंगल है. इस कारण पूरे भारतीय साहित्य, मैंने एक लेख लिखा था, शायद आपने पढ़ा होगा, ये लेख तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी आलोचना में भी छपा था, भारतीय दलित साहित्य, रणसुमी जी का लेख था मराठी में, उसका अनुवाद मैंने किया था, भारतीय दलित साहित्य, पूरे भारत का दलित साहित्य. मैं कहूंगा, मैंने कहा कि मार्केट और उपभोक्ता यही दुनिया, बाकी सारा जंगल है. और जंगल में होता क्या है, शून्यता होती है. ठीक है, ये प्राणी होते हैं, नदियां होती है, पेड़ होती है, खामोशी होती है, शून्यता होती है. मैं कहूं मित्रों, बहुत आपके प्रति आदर के साथ मैं कहता हूं, इस खामोशी की और शून्यता का ये साहित्य है. जंगल में संवाद नहीं, उसकी एक खामोशी है. फ्लैट में सामने कौन रहता है, उससे भी हमारा संवाद नहीं. राजेंद्र यादव की बहुत सुंदर कहानी थी, स्मशान में संवाद नहीं होता, वो शून्यता उस जंगल की, उस भयावत्ता, उसका साहित्य.
अब चुनौती हमारी यह है, अब एक कॉमेंट्स में देखिए कि इसका साहित्य पर क्या परिणाम है, समझ लीजिए, पहले पढ़िए, मुझे समय दीजिए कि मैं कहानियां, उपन्यास और कविताएं इतनी मेरे पास मेरी जुबा पर है, चारों ओर शून्यता हाँ संगवे जी हो कि मिनट, 5 मिनट का, 7-8 मिनट, ओके, मुझे आखिरी 5 मिनट दिए गए हैं, मैं 5 मिनट में ये करता हूं, आप सबकी माफी मांगकर। हाँ, शून्यता का ये साहित्य है, चिंता का साहित्य है, चिंतन का साहित्य है, कंप्यूटर शासित जीवन शैली, जमीन, फैक्ट्री, पेटेंट, साइबर कुली, भूमंडलकर नाम का अमीबा, इसकी ही दुनिया है, और अगर है तो तेजाबी विचार यही अब बाकी है। समाप्त करने के पहले दो मुद्दे, 1 मिनट में मैं ये करता हूं, कहता हूं जो मुझे कहना था, जन गण मन कहां केंद्र में है ये देखने की आज आवश्यकता है, और काफी मुद्दे बाकी है, बावजूद क्योंकि विवाह संस्था पर मुझे बोलना था, मुझे शिक्षा पर बोलना था, मुझे प्रकृति पर बोलना था, इस पर क्या परिणाम परिवार पर ज्यादा हुए हो, कैसा क्या दिया हमने, तो आखिर में मैं कहूंगा, कल भी मैंने अपने दोस्त के साथ कहा था, ये स्थिति मेरे लिए ऐसा, मुझे याद आते हैं इस वक्त दो कवि, पहले कवि याद आते हैं धूमिल, उनके शब्दों में कहूंगा, उन्होंने कहा था कि मोहभंग का कवि, उन्होंने कहते ना मोहभंग की कविता, मैं कहूंगा कि ये आज की तिथि में मेरा स्टेटमेंट ये रहेगा, शायद गलत भी होगा, ये दूसरे मोहभंग का साहित्य है, ये 30 साल का साहित्य दूसरे मोहभंग का साहित्य, जो मोह लगाया था उसका दूसरे मोहभंग का साहित्य है, और मुझे याद आती है मेरे प्रिय कवि केदारनाथ सिंह, उनकी दो पंक्तियां हैं, उससे मैं समापन करूंगा, मेरे ओठों पर सबसे बड़ा झूठ है आज, मेरे ओठों पर सबसे बड़ा झूठ है, फिर एक बार कहूंगा, आज मेरे ओठों पर सबसे बड़ा झूठ है, शायद इस सदी का सबसे बड़ा ये सच है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, प्रोफेसर नवले जी सर, आपने काफी विस्तृत जानकारी रखी, आपका काम ही ऐसा है सर जी, जिस काम में न हो चुनौती उससे नहीं होती कोई प्रगति, हिंदी साहित्य के समक्ष चुनौतियां हमारे हिंदी साहित्यकारों पर है, हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनौतियों का स्वीकार कर इसका सामना हमारे हिंदी साहित्यकार करेंगे, आपने इस राष्ट्रीय वेबिनार के माध्यम से उत्तम, सार्थक एवं सारगर्भित व्याख्यान देकर हमें लाभान्वित किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।